नमस्कार, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। आज इस एपिसोड में मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो कि कहानी नहीं सच है, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। सोशल मीडिया पर आपने वैलेंटाइन्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं तो नमस्कार, मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन डे को लोग रोमांस, प्यार, लव, किस, इन सभी चीज़ों के रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस प्यारे से त्यौहार के पीछे खून, दर्द और पाप से भरी कहानी इसे बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बना देती है, क्योंकि 14 फरवरी शताब्दी का इस त्यौहार का कुछ और ही मतलब हुआ करता था पहले। इसे जानने के लिए हमें पुराने रोम साम्राज्य में जाना होगा, जहाँ 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक रोमन लोग फेस्ट ऑफ लूपर से लिया, मतलब ऊपर से लिया, कि दावत नाम से एक फेस्टिवल बनाते हैं, जिसमें आदमी लोग बकरी, कुत्ते और बाकी जानवरों की बलि देते हैं, और फिर उन जानवरों की खाल से बने चाबुक से, आपको यकीन नहीं होगा, उसी बने चाबुक से औरतों को कोड़े मारे जाते थे, और यह बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता था, बल्कि महिलाएं कोड़े खाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगी रहा करती थी, क्योंकि उस वक्त ये अंधविश्वास फैला हुआ था कि ऐसा करने से महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब वह आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। इसी फेस्टिवल में वो रिवाज था जिसे मैच मेकिंग लॉटरी भी कहते हैं, जिसमें लड़के लड़कियों के नाम से चिट निकलती थी, भरे बाग में, भरे बगीचे में चिट निकाली जाती थी लड़की और लड़के के नाम की, और उस लड़की को 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 3 दिन तक लगातार लड़के के साथ गुजारने होते थे। अगर इन 3 दिनों में लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो उन दोनों की शादी करवा दी जाती थी। ये अजीब से परंपरा कई सालों तक चली, लेकिन 14वीं शताब्दी के करीब जब रोमन्स में ग्लोडियसित्य नाम के राजा का शासन हुआ करता था, तब लोग प्यार और वासनाओं में इतने मशगूल हो गए कि कोई भी लड़का आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ग्लोडियस की इच्छा थी कि वो एक बहुत ही बड़ा शासक बने, जिसके लिए उसकी एक बड़ी सी सेना की जरूरत थी, लेकिन उसने देखा कि रोम के लोग, जिनका परिवार है, जिनकी बीवी है, बच्चे है और एक बड़ी सी फैमिली है, तो वह चाहता था कि सभी की शादियां को रुकवा दिया जाए। प्रजा पूरी तरह से मायूस हो गई ये जानने के बाद, लेकिन उसे एक वक्त एक पादरी से पाला हुआ पड़ा। सेंट वैलेंटाइन, उन्हें भी यह फरमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन राजा के सामने वो कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन जब उनके पास एक प्रेमी जोड़ा आया जिसने चुपके से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो सेंट वैलेंटाइन ने चुपके से चर्च के कमरे में दोनों की शादी करवा दी। लेकिन क्लॉडियस को इस शादी के बारे में पता चल गया और उसने पादरी वैलेंटाइन को कैद करवा लिया और उसे मौत की सजा सुना दी। और जब यह बात प्रजा के सामने आई कि राजा के फरमान की तौहीन करने के कारण वैलेंटाइन को कैद कर लिया गया, तो सेंट वैलेंटाइन उनके हीरो बन गए और लोगों में उम्मीद की एक किरण दौड़ पड़ी। लोग चुपके चुपके उनके पास जेल में गिफ्ट और रोजेस लेकर पहुंचने लगे, लेकिन क्रूर शासक का दिल नहीं पिघला और उसने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को सरेआम फांसी लगा दी। लेकिन सेंट वैलेंटाइन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है और लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। लोगों को बदला हुआ देख शासक को भी बदलना पड़ा और शादी नहीं करने का जो फरमान लिया था उनको वापस लेना पड़ा। साथ ही 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच चलने वाला वो बेरहम फेस्टिवल भी बंद करवा दिया गया। उसकी जगह 14 फरवरी को, जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी लगाई गई थी, लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? 14वीं शताब्दी से पहले यह किस दर्दनाक तरीके से मनाया जाता था, इसे ध्यान में रखते हुए तो नहीं मनाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे खबरीलाल टीवी के साथ। मैं अदिति, कैमरामैन सनी के साथ, धन्यवाद।